आपको आहूजा का कॉन्फ्रेंस सिस्टम दिखाना चाहते हैं, सीएम 5000 सीरीज, जो कि काफ़ी इंस्टॉलेशंस में यूज होता है। जहाँ भी कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स वगैरह होती है, चाहे वो नगर पालिका का ऑफिस हो, डीएम ऑफिस हो, या कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस हो, जहाँ भी 10-15 लोगों की जो भी मीटिंग्स है, वो थ्रू सीएम 5000 कराने की कोशिश की जाती है। यहाँ अभी हम आपको प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। ये हमारा सीएम 5000 सीरीज का कंट्रोलर है, CMA 5400। ये एक मिक्सर एम्पलीफायर है जिसमें 50 वॉट का एम्पलीफायर इनबिल्ट है, और साथ में आप एक्सटर्नल माइक भी लगा सकते हैं, वायरलेस माइक्स। साथ में इसमें हमने USB इनपुट दे रखा है, जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं इन आप पेन ड्राइव, या कुछ आपको प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले करना है वो भी आप प्ले कर सकते हैं थ्रू CMA 5400। CMA 5400 से कनेक्टेड फिर डिवाइस आती है डेलीगेट यूनिट। ये हमारी डेलीगेट यूनिट है CMD 5200। ये एन नंबर ऑफ यूनिट लगा सकते हैं। वैसे तो इसकी लिमिटेशंस है कि 50 यूनिट एक एम्पलीफायर कंट्रोलर से आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट अगर इससे ज़्यादा भी लगा दिए तो एक्स्ट्रा डिवाइस लगा के वो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट आता है चेयरमैन यूनिट, जिसका मॉडल नंबर है CMC 5100। ये CMC 5100 है। दोनों में डिफरेंस ये है कि CMC 5100 में आपका प्रायोरिटी का फीचर दे रखा है, सो दैट अगर डेलीगेट्स बोल रहे हैं और इन बिटवीन अगर चेयरमैन को इंटरप्ट करना है, तो वो जस्ट प्रायोरिटी बटन प्रेस करके सारे डेलीगेट को कुछ टाइम के लिए ऑफ कर सकता है और उसकी आवाज़ में प्रायोरिटी आ जाएगी। तो अभी हमने 3 यूनिट के साथ इसको डेमो करने की कोशिश की गई है, और इसके साथ एक्सटर्नल स्पीकर्स हम लगा सकते हैं। अभी जैसे हमने एक्टिव स्पीकर्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो नाउ वी आर जस्ट शोइंग कि कैसे ये काम करता है। अब डेलीगेट माइक, इसका टॉक बटन जैसे आप प्रेस करेंगे, इसकी LED लाइट आपकी ग्लो हो जाएगी। हेलो माइक चेक, 1 2 3 4 5 4 5 3 2 1। नाउ अब हम देखेंगे कि इसको आपस में कनेक्टिविटी कैसे की जाती है एम्पलीफायर को डेलीगेट यूनिट्स के साथ और डेलीगेट को चेयरमैन के साथ। एम्पलीफायर के पीछे आप देखेंगे, इसमें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये एम्पलीफायर के पीछे पोर्ट दिए गए जिसमें लाइन 1 और लाइन 2 का ऑप्शंस है। लाइन 1 से आप 25 यूनिट अटैच कर सकते हैं, और लाइन 2 से अगेन नेक्स्ट 25 यूनिट्स। पहला केबल्स आएगा एम्पलीफायर से फर्स्ट डेलीगेट में, और लास्ट जो 25 यूनिट है उसका लास्ट केबल आएगा लाइन 1 के दूसरे कनेक्टर्स में। सेम नेक्स्ट अगर 25 और यूनिट ऑल आप लगा रहे हैं, तो फर्स्ट यूनिट का केबल आएगा एम्पलीफायर के लाइन 2 में, ऐसे ही लास्ट डेलीगेट का यूनिट यहाँ पे आके क्लोज हो जाएगा लूप। स्पीकर्स के लिए इसमें 50 वॉट का, जैसे मैंने बताया कि 50 वॉट का एम्पलीफायर इनबिल्ट है, तो इसमें आप देखेंगे कि आप 50 वॉट तक के स्पीकर, पैसिव स्पीकर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें 100 वोल्ट की कनेक्टिविटी है, अगर 100 वोल्ट का स्पीकर है तो डायरेक्टली आप इसके थ्रू कॉम 100 के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर स्पीकर आपका 8 ओम्स का है या 4 ओम्स का, तो उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ पे शो की गई है। इसके अलावा आप पोर्ट में देखेंगे माइक 1 2 3 का ऑप्शन दिया है। सपोज़ कीजिए कि आप वायरलेस माइक यूज़ करना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, तो आप एक्सटर्नल वायरलेस माइक या अपना पोडियम पे जो माइक है उसको भी आप इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप देखेंगे इसमें प्री आउट और लाइन आउट भी है। प्री आउट बेसिकली उस पर्पज से कि जैसे अभी हमने एक्टिव स्पीकर कनेक्ट कर रखा है, तो प्री आउट के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑटो माइक ऑफ, इसमें 60 सेकेंड का ऑटो माइक का फीचर्स भी है कि अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो 60 सेकेंड के बाद डेलीगेट या चेयरमैन का माइक अगर ऑन होगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ मोड में चला जाएगा। तो ये सारे कनेक्टिविटी है, इन सबको हमने डीजी चेयर में कनेक्ट किया हुआ है। पहली यूनिट का केबल जाएगा फर्स्ट डेलीगेट में, नेक्स्ट डेलीगेट में, फिर सो एंड सो। ये आप देखेंगे यहाँ पे पहला केबल आया है कंट्रोलर से, फिक्स नेक्स्ट केबल डेलीगेट के लिए यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है, ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट में। इस तरीके से हम इसमें कनेक्टिविटी करते हैं। साथ में आप देखेंगे इसमें हेडफोन के लिए भी हमने इनपुट दे रखा है कि आप अलग से हेडफोन यूज़ करना चाहें तो हेडफोन भी आप इसमें कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, और वॉल्यूम लेवल को आप
कम या बढ़ा भी सकते हैं। इस यूनिट में आप देखेंगे कि इसमें इंटरनल स्पीकर्स भी दिया गया है। अगर आप एक्सटर्नल स्पीकर्स यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इंटरनल स्पीकर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा CM5000 सीरीज़ का कॉन्फ्रेंस सिस्टम है। आई थिंक काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी डाउट्स। अगर इसके बाद भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप कृपया आहूजा रेडियोज़ को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।